हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज का जो डेस्टिनेशन है वो है लाटागुड़ी। तो आज ऐसे ही घूमने के लिए नहीं जा रहे लाटागुड़ी, मतलब घूमने के लिए जा रहे पर आज जो है रॉयल इनफील्ड का वन राइड का प्रोग्राम है, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। और इस टाइम मैं ग्रुप पे राइड कर रहा हूँ। आई थिंक 20 to 22 रॉयल इनफील्ड्स होंगे। तो हम लोग अभी लाटागुड़ी में जाएंगे, उधर एक होटल बुक है जहाँ पे जो वन राइड का जो इवेंट है वो होने वाला है। तो यहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे, रायगंज के इनफील्ड का जो शोरूम है वहाँ पे जा रहा हूँ। अभी बज रहे सुबह के 7, तो उन लोगों ने बोला है कि कुछ 8 बजे के करीब सारे राइडर्स जब आ जाएंगे तब हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। तो वहाँ पर अभी जो है बालूरघाट से राइडर्स आएंगे, और बालूरघाट गंगारामपुर वहाँ से सारे राइडर्स आएंगे वहाँ पे। तो फिर हम लोग वहाँ पे मीट करेंगे, मीट करने के बाद वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और वहाँ से स्टार्ट करके हम लोग फर्स्ट जाएंगे, मतलब ऐसे सीधा इस्लामपुर तक जाएंगे। इस्लामपुर पे जाके फिर वहाँ पे जो इनफील्ड का शोरूम है वहाँ पे इस्लामपुर के जो राइडर्स है वो मीट करेंगे। फिर वहाँ से हम लोग जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो अभी चलिए देखते हैं, अभी सुबह का मौसम है, देखिए कितना शांत कितना सुंदर होता है। तो अभी अगर मैं नॉर्मली अगर अकेला जाता तो मैं 5 बजे के करीब निकल चुका होता, क्योंकि ग्रुप राइड है तो सब आएंगे। और क्योंकि बालूरघाट से गंगारामपुर से भी लोग आ रहे हैं, वो लोग दूर से आ रहे हैं, तो इसीलिए जो है टाइमिंग थोड़ा पीछे है। तो लेट्स सी, चलिए देखते हैं। सीनियर मोस्ट राइडर विक्टर दा इज ऑलरेडी हियर। तो अभी तो आ गए यहाँ पे, अभी देखते हैं यहाँ से कब निकलते, क्योंकि ज़्यादा बाइक्स तो नहीं दिख रही अभी। शायद से बाहर के, मतलब बालूरघाट के गंगारामपुर के जो राइडर्स है वो अभी आने बाकी है, तो अभी भी शायद टाइम लगेगा। देखते अभी कब निकलते। विक्टर दा कतक्षण दाड़ाते हबे, कतक्षण? एक घंटा? ना ना बेशी लगे। देखो देखो क्यों नाई। सो अभी 9:10 हो रहे और हम लोग फाइनली यहाँ से निकल रहे। तो मतलब जैसा कि मैंने कहा था, 1 घंटे से ऊपर लगेगा ही। मैं अराउंड 7:15 पहुँच गया था, तो अभी कुछ 9:10 हो रहे, मतलब दो घंटे के करीब। तो अभी चलते, अभी स्टार्ट हो गया है, सब राइडर्स आ गए। तो अभी यहाँ से सीधा जाएंगे एकदम इस्लामपुर तक, इस्लामपुर पर रुकेंगे, फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे जर्नी। चलिए तो विक्टोरदा का क्रूजिंग मोड ऑन हो चुका है, विक्टोरदा मस्त क्रूज करते हुए। और अभी हम लोग डालखोला पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। तो रोड तो ऐसे बहुत बढ़िया है यहाँ का, नया रोड बना है। अभी देखते कितना टाइम लगता है। नॉर्मली तो जैसे कि अगर कंटिन्यू जर्नी होती है तो 4 to 4.5 hours लगता है, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते हुए जाएंगे तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे डाइवर्जन है, पता नहीं उस साइड का रास्ता तो ओपन ही था, तो पता नहीं। तो पीछे किसानगंज में रास्ता जो है बहुत ख़राब था, एक जगह पे एकदम स्लैशी और मडी रोड था, बहुत मतलब बहुत ही ख़राब था कंडीशन रोड का।
तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा था। वैसे टायर्स जो है वो स्कीड तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरे जो टायर्स है वो मतलब थोड़े हाई प्रोफाइल के टायर्स है, थोड़े मोटे टायर्स है, और भी मतलब जैसे होते हैं ना, मतलब मोटे बीड वाले टायर्स हैं, तो मुझे दिक्कत तो नहीं हो रहा, पर एक तो डर लगा रहता है कि क्योंकि इतना स्लस था, इतना मड था वहाँ पे रोड पे, तो एक एकदम सामने से एक ट्रक आ गया था। तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड। तो अभी जाएंगे आगे जाके, अभी सीधा इस्लामपुर पे रुकेंगे। पीछे हम लोग एक जगह पे स्टॉप लिए थे थोड़ा, तो जो लोग बालूरघाट गंगानंदपुर से आए थे वो लोग, मतलब वो लोग तो क्योंकि बहुत सुबह निकल गए थे, तो उन लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो उन लोगों ने पीछे ब्रेकफास्ट कर लिया। और क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट पहले ही कंप्लीट कर लिया है, तो हम लोग ब्रेकफास्ट करके ही घर से निकले, तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग अभी सीधा देखते कहाँ पे होता है, तो वहाँ पे जाकर लंच करेंगे। अभी जाएंगे इस्लामपुर, इस्लामपुर शोरूम पे जाके फिर वहाँ से देखते हैं। चलिए तो हम लोग आ गए अभी इस्लामपुर के रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे। तो बाकी के जो राइडर्स हैं वो लोग पीछे ही है, वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और क्योंकि वहाँ पे बहुत धूप हो रहा था और बहुत गर्मी भी है, तो विक्टर दा ने बोला कि चलते जाके सीधा एकदम एनफील्ड के शोरूम पे जाके रुकते हैं, एसी में मस्त चील करते हैं। और क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट जो है घर पे ही कर लिए थे, तो इसलिए हम लोग आ गए सीधा यहाँ पे। अभी देखते हैं इस्लामपुर से कितने राइडर्स आते हैं, टोटल कितने लोग होते हैं। चलिए अभी आगे मिलते हैं। चलिए सो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, और भाई जो गर्मी है बर्दाश्त के बाहर है भाई, बहुत गर्मी है, और ऊपर से पूरे गियर्स मैंने पहने हुए हैं, इसलिए गर्मी और भी ज़्यादा लग रही है। तो अभी डिसाइड हुआ कि पहले तो ये ठीक था कि हम लोग सीधा जाएंगे गोजलडोबा में जाके लंच करेंगे। तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग इस्लामपुर पे ही लंच कर लेंगे, तो आगे एक ढाबा है कोई, तो वहाँ पे जाके लंच करेंगे, तो वहाँ से लंच करके फिर निकलेंगे। अगर नॉर्मली हम लोग जैसे कि वहाँ से निकले थे, अगर सीधा हम लोग चले जाते विदाउट एनी स्टॉपेज, तो हम लोग अभी तक पहुँच गए होते, पर देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। सो फाइनली वी आर डन विथ आवर लंच, अभी सीधा निकलेंगे यहाँ से एकदम। ये लोग बोल रहे हैं कि गौजलडोबा पे रुकेंगे, पर अभी इतना धूप है भाई, मेरे लिए तो बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, क्योंकि अभी अगर जाके आगे गौजलवा में फिर रुकेंगे तो और भी लेट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, आई थिंक मैं निकल जाऊंगा, लेट्स सी क्या होता है। चलते हैं अभी आगे। तो आ गया खराब रोड, खराब बोले तो एकदम खराब, घटिया। ये क्या कंडीशन है, ओ बाप रे, ये ट्रक जो है फंस गया है भाई, देखिए ये ट्रक फंस चुका है। अभी देखिए रोड का कंडीशन, देखिए बाप रे बाप। बाइक का तो टेंशन नहीं है, बाइक चला जाएगा, पर गाड़ियों का टेंशन है भाई, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। बस यही जगह जो है ख़राब है, बाकी तो पूरा रास्ता जो है एकदम मस्त है। अभी ये सब एकदम राइट साइड से आ रहे हैं भाई, अरे साइड से जाओ भाई, अपने साइड से जाओ, जाओ जाओ। देखिए अरे यार, तो भाई लग रहा है फुलवारी का नया ब्रिज जो बन चुका है, और लेफ्ट साइड में वो जो दिख रहा है वो पुराना वाला ब्रिज है, और ये हम लोग जा रहे हैं नए वाले ब्रिज से। लास्ट टाइम जब मैं गया था तब मैं उस साइड से ही गया था, ये अभी मतलब हाल ही में बना है, आई थिंक 1-2 हफ्ते में ही बना हुआ है, वो देखिए पुराना वाला ब्रिज। और भाई ऐसे रास्ता अगर होना भाई, कितना मज़ा आता है, बहुत सही है भाई। तो ये आ गया गोजलडोबा का ब्रिज,
तो अभी बाकी राइडर्स जो है वो लोग पीछे ही है, मैं और मेरे साथ और दो राइडर्स हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं। हम लोग अभी सीधा एकदम डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो भाई बहुत गर्मी है क्या बताएं, और धूप भी देखिए कितना धूप है, पर आसमान एकदम साफ़ है। अभी शायद से यहाँ पे देखते थोड़ा, ये लोग बोल रहे हैं थोड़ा फ़ोटो शूट करेंगे यहाँ पे, फ़ोटो वोटो लेंगे। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, फिर देखते क्या होता है। लाटागुड़ी पहुंच चुके हैं, ये है लाटागुड़ी बाज़ार, और हम लोग यहाँ से राइट साइड जाएंगे जो एकदम गोरुमारा नेशनल पार्क के बगल से जाता है एकदम ये रास्ता। और ये देखिए पूरा कच्चा रास्ता है, यहाँ पे वही लग रहा है हेवी ऑफ रोडिंग होने वाली है, खतरनाक रास्ता। बाप रे देखिए पानी एकदम भरा हुआ है। तो लास्ट ट्रेल जो है पूरा ऑफ रोडिंग का ट्रेल है ये। अभी चलते हम लोग, अभी जाएंगे फायरफ्लाई रिजॉर्ट की तरफ, वहाँ पे ही बुकिंग है। चलते हैं अभी, आप लोग एक खतरनाक रास्ता दिखाते हैं एकदम। तो ये लेफ्ट साइड में जो रास्ता दिख रहा है, जो बंद दिख रहा है ऐसे, ये रास्ता सीधा जाता है एकदम फॉरेस्ट के अंदर, और लेफ्ट साइड में ये जो है पूरा फॉरेस्ट ही है। तो यहाँ से कभी भी जो एनिमल्स है वो बाहर निकल, जैसे हाथी और जो इंडियन गौर है वो कभी कभी आ जाते हैं रोड पे। तो जो रास्ता है थोड़ा ख़तरनाक ही है, देखते हैं। चलिए तो ये आ गया द फायरफ्लाई रिसोर्ट। अभी भाई एकदम एग्जॉस्टेड हूँ मैं एकदम, अभी सीधा रूम पे जाएंगे और फिर देखते हैं क्या होता है, आप लोगों को दिखाते हैं रूम थोड़ा। सो फाइनली पहुँच गए, तो रूम ऐसे बढ़िया है, पर भाई गर्मी जो है, गर्मी एकदम हद से बाहर है गर्मी, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। तो रूम अभी साफ़ सुथरा है तो इसलिए अभी बना ले रहे हैं, नहीं तो बाद में तो हालत फिर ख़राब हो जाएगी। और इस साइड में एक छोटा सा बालकनी है, और यहाँ से देखिए आगे पूरा जंगल है एकदम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का शानदार व्यू यहाँ से। ये साइड भी फॉरेस्ट है, देखिए स्ट्रीम एक नदी जा रही है आगे भाई, जगह तो बहुत सही है। आगे एकदम फॉरेस्ट, वो साइड पूरा फॉरेस्ट है एकदम। हाँ तो देखिए, और मैंने जैकेट को लगा दिया है पे जैकेट, क्योंकि पूरा भीग चुका है एकदम पानी पानी। हाँ तो हम लोग जब निकले थे तब कुछ मतलब 9 बज रहे थे, तो उसके बाद हम लोग बहुत जगह पर रुके, मतलब नॉर्मली इस 4-4.5 घंटा लगता है लगभग लाटागुड़ी आने में। तो हम लोगों ने बहुत खींचा बहुत खींचा बहुत लंबा खींचा, तो बहुत जगह पर रुके, तो क्योंकि इतनी लंबी टीम है बहुत लोग हैं तो रुकना ही पड़ा। और हम बस तीन बाइक मतलब तीन जन जो है यहाँ पे आए, बाकी सारे जो लोग हैं वो पीछे है, वो लोग आ रहे, क्योंकि मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी इसलिए मैं आ गया। मैंने बोला आप लोग आइए, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है गर्मी में, तो मैं आगे जा रहा हूँ।
तो अभी हम लोग आए, लास्ट जो ट्रेल था बहुत ही खतरनाक था, मतलब खतरनाक बोले तो एकदम ऑफ रोड था और उस साइड में पूरा फॉरेस्ट था। तो सही है, वैसे रूम भी सही है। अभी शाम के टाइम पे कुछ इवेंट है, अभी तो कुछ नहीं है क्योंकि लोग बहुत टायर्ड होंगे, तो अभी देखते हैं। तो अभी घड़ी में बज रहा है, एक सेकेंड देख लीजिए, अभी 4:30 बज रहा है। तो ठीक है, हाँ वो लोग शायद से 5 बजे आएंगे क्योंकि वो लोग बोल रहे थे। तो देखते हैं शाम को क्या प्रोग्राम होता है, आप लोगों को दिखाएंगे। और अब तक जो है वन राइड सक्सेसफुली रहा है, कोई मिसहैप नहीं हुआ, सब लोग ठीक ठाक आ रहे हैं, सब ठीक ठाक है। तो चलिए देखते हैं शाम को क्या प्रोग्राम होता है, आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।